मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ रहे थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ज्योमेट्री में हम लोग प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे बाबू उसको थोड़ा पहले बता देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैरेलल लाइन पर कुछ जो प्रॉब्लम था लाइंस एंड एंगल्स में, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन और है उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम अगला लेसन पे जाएंगे, वो ट्राइंगल्स से रिलेटेड होगा। पहले ये क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करके बताइए कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन है, ये एक्स ए बी सी डी, ये वाई है, ये 75 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 35 डिग्री है। हमको कह रहा है ये दिए गए फिगर में, बाबू ये फिगर दिया हुआ है जिसमें इस एंगल का वैल्यू 75 डिग्री दिया हुआ है, इस एंगल का वैल्यू 35 डिग्री दिया हुआ है। हमको इस एक्स का वैल्यू, इस वाई का वैल्यू और इस जेड का वैल्यू हमको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बताओ बाबू। देखो बाबू इसका नाम हम लिख देते हैं ओ, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इवेंट जो दिया पहले इसको लिखते हैं, इवेंट में दिया हुआ है एंगल बी ए ओ, बी ए ओ इक्वल टू 75 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इक्वल टू 35 डिग्री दिया हुआ है। ये दोनों दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड दैट हमको ये फाइंड करना है कि एंगल एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू वन एंड जेड इक्वल टू वन, हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। जैसा कि फिगर में देखिए बाबू, इसमें कुछ और भी कह रहा है, ये भी कह रहा है बाबू, गिवन में दिया हुआ कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यानी और ये भी दिया हुआ है ए बी पैरेलल है सी डी के, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। एक बात बताओ बाबू, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेटिंग एंगल से इक्वल होगा। जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय अल्टरनेटिंग एंगल से। उसी तरह ये लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय अल्टरनेटिंग एंगल से। यानी हम आते हैं सॉल्यूशन में, हियर एबी पैरेलल सीडी एंड बीसी इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, बीसी इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, इसलिए एंगल एबीओ एबी एबीओ ये एंगल इक्वल होगा एंगल किसके, DCO, DCO के। और जैसा कि ऑलरेडी हमको मालूम है कि ये दोनों बराबर किस रूप से हुआ, पहले उसको लिख देते हैं, ये दोनों बराबर हुआ है बाय अल्टरनेटिंग एंगल से, अल्टरनेटिंग एंगल, ये अल्टरनेटिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो गया बाबू। अब एक बात बताओ बाबू, ये एंगल DCO का वैल्यू कितना नजर आ रहा है, यहाँ एंगल DCO का वैल्यू कितना नजर आ रहा है, 35 डिग्री, इसीलिए एंगल ABO इक्वल टू हो जाएगा 35 डिग्री, आपका आंसर निकल गया। ये क्या था आपका, ये था आपका x, ये इसको किसे रिप्रेजेंट किया था, x रिप्रेजेंट किया गया है और ये 35 डिग्री से निकल गया, इसका वैल्यू 35 डिग्री। अब आप बताओ बाबू कि जब x का वैल्यू मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180
ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ से, ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल के थ्री एन ट्राइंगल के थ्री के ट्राइंगल का जो सम होता है वो ट्राइंगल ए बी ओ में ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल ये तीनों इंक्रीडेंट का सम हो गया 180 डिग्री। अब बताओ बी ए ओ कौन है, बी ए ओ ये है, ये एंगल हुआ इसका वैल्यू 75 डिग्री। ए बी ओ, ए बी ओ इसका वैल्यू कितना है एक्स डी एक्स, और एक्स का वैल्यू हमने 35 डिग्री अभी हम निकाल चुके हैं। और ए ओ बी, ए ओ बी ये एंगल कितना दिया हुआ है वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 75 और 35 दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 110 डिग्री। बाबू 75 और 35 को जोड़ेंगे कितना होगा 110 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू कितना 180 डिग्री। y equal to हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 110 इधर जाएगा तो माइनस 110 डिग्री होगा। तो y equal to हो जाएगा 180 से 110 जाएगा तो 70 डिग्री। y का वैल्यू कितना निकल गया बाबू 70 डिग्री। x का वैल्यू भी निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया। अब हम निकालते हैं यहीं पे z का वैल्यू। अब एक बात बताओ कि अगेन अगेन AB parallel CD, AB parallel है CD के and AD is a transversal line and AD is a transversal line, transversal line. अगर ये transversal line है तो ये angle इस angle के equal होगा by alternating angle से, इसीलिए क्या होगा angle BAO, angle BAO equal होगा angle किसके CDO के, C BAO का वैल्यू कितना है BAO 75 डिग्री और CDO किसे रिप्रेजेंट किया गया है जेड से, यानी जेड का वैल्यू निकल गया आपको 75 डिग्री। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो हम लोग x by z का वैल्यू निकाल लें, हम लोग x by z का वैल्यू निकाल लिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं उसके बाद न्यू लेसन पे जाएंगे। ये क्वेश्चन हम आप लोग से पूछ रहे हैं कैसे कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 8 अग्रवाल का। इसमें कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है जिसका नाम है ए बी और सी डी, बोथ आर पैरेलल लाइंस और इसमें एक ट्राइंगल इस तरह से बना हुआ है। ट्राइंगल इस तरह से बना हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ 75 डिग्री। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 डिग्री। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है y डिग्री। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है x डिग्री। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 125 डिग्री। तो हमको कह रहा है x y z का वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद y का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद हमको z का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे x का वैल्यू, कैसे फाइंड करेंगे बताओ तो बाबू। नाम इसका देते हैं PQR। कैसे फाइंड करेंगे बाबू x का वैल्यू अगर फाइंड करना होगा तो कैसे फाइंड करेंगे। फिगर के अकॉर्डिंग ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है। हेलो, होगा कि हम बता दें? एक बात बता बाबू कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है। इसमें ये PQ लाइन एक तरह से खींचा हुआ है, PQ ये P है, ये Q है, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी 75 डिग्री। इसका वैल्यू x दिया हुआ है। हम जानते हैं जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है।
इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल का कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा। किस रूल से? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के रूल से, कि हम जानते हैं द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल, इट मींस 180 डिग्री। ओके, तो हम लिखेंगे इसको सॉल्व करने में, गिवन क्या है, क्या दिया पहले को लिखते हैं, गिवन में दिया हुआ है बाबू क्या कि एंगल ए पी क्यू हमको ये पॉइंट करना है बाबू क्या, x इक्वल टू r, y equal to r and lastly z equal to r, yani x y z का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले रूल के मुताबिक हम x का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद y का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद जाकर के z का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो हम देख रहे हैं कि x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये और ये लाइन पैरेलल है और इसकी ये ट्रांसवर्सल लाइन का भी इसमें लिखते हैं। Here AB parallel CD, AB parallel है CD के and PQ is a transversal line, transversal line और PQ क्या है, transversal line है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री आएगा। APQ, APQ ये एंगल प्लस एंगल CQP ये एंगल, एंगल C QP equal to 180 degree. इस रूल से by sum of consecutive interior angle से ठीक है। अब APQ का वैल्यू कितना है, APQ का वैल्यू है 75 degree और CQP का वैल्यू कितना है x equal to कितना 180 degree, x equal to 180 degree plus 75 रह जाएगा तो क्या होगा minus 75 degree, x equal to कितना हमारे 75 जाएगा 105 degree, x का value कितना निकल गया बाबू 105 degree, कितना निकल गया बाबू 105 degree। अब हमको क्या निकालना है कि जब x का value निकल गया अब हमको y का value निकालना है बाबू, ये देखो again क्या क्या हम जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेटिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा y के, तो हम लिख सकते हैं एंगल EQ इक्वल होगा एंगल APQ by इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल, नेटिंग एंगल। अब एक बात बताओ DQP को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, DQP y से रिप्रेजेंट किया गया है और APQ कितना है 75 डिग्री, y का वैल्यू निकल गया 75 डिग्री, x का वैल्यू भी निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया। अब निकालना है बाबू ये z का वैल्यू, अब z का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको आप इरेज करते रहेंगे, फिगर अलग से समझाने के लिए ऐसा ठीक है। अब बताओ अच्छा म्यूट हो जाओ, आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो जाओ। देखो बाबू ये ट्रायंगल है ना, नाम है इसका P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, इसका वैल्यू z है और इसका और ये बाउंड्री को बनाया, तो ये जो स्टेरियो एंगल बना है वो 125 डिग्री। हम जानते हैं बाबू अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड को प्रोड्यूस करने पर बना स्टेरियो एंगल जो होगा तो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी ये ट्रायंगल की ये साइड को बढ़ा करके जो स्टेरियो एंगल बना ये एंगल जो होगा इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा, यानी x और y के सम के बराबर होगा ये एंगल by exterior rule। इस रूल से ट्राइंगल के exterior रूल से तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल
PQR में इसका नाम यहाँ पे D है, PQR में क्या है कि एंगल DRP इक्वल होगा बाबू एंगल RPQ प्लस एंगल PQR ये एंगल और ये एंगल के साथ इक्वल है किस रूल से, बाय एक्सटीरियर रूल से। अब बताओ ईआरपी क्या है? ईआरपी कितना है? 125 डिग्री है। और आरपीक्यू कितना है? आरपीक्यू डेड है तो डेड लिख देंगे और प्लस PQR y है। अब y का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, देखो यहां y का वैल्यू 75 है, यहां पे लिखो 75 तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 125 डिग्री। अब प्लस 75 इधर आएगा तो माइनस में 75 डिग्री तो क्या होगा 125 में से 75 जाएगा कितना बचेगा 5 में से 5 माइनस हो गया तो 0 और 12 में से 5 होते हैं माइनस होगा तो 5 यानी 50 डिग्री यानी z का वैल्यू कितना निकल गया बाबू 50 डिग्री आंसर हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत? हेलो नो सर कोई दिक्कत? नो सर। तो आज हम लोग ताकि टाइम भी और थोड़ा होने वाला है इसलिए आज लेट से क्लास स्टार्ट हुआ था नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से तो आज ये लेसन कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे। अगर किसी भी बच्चे को लाइन एंड एंगल्स में प्रॉब्लम होगा तो वो जो है कल पूछ क्वेश्चन, अगर लाइंस एंड एंगल्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। कल हम आप लोग को वैसे पढ़ाने वाले हैं ट्रायंगल चैप्टर और ट्रायंगल में सभी लोग मौजूद रहिएगा क्योंकि ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कंग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे और इसमें अगर एक मतलब क्या हो गया एक लेक्चर भी छूट जाएगा तो आपको दिक्कत होगा समझने में। इसीलिए कल टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है तो आज इतने ही रहने देते हैं। ओके बाय।